और बाबा सूरजपाल से जुड़ी एक और अहम जानकारी, आसपास के गांव में बाबा सूरजपाल का विरोध अब शुरू हो चुका है। मैनपुरी के कई ऐसे गांव हैं जहां पर बाबा की कोई भी पहचान नहीं है। कई गांव के लोगों को बाबा पर बिल्कुल भरोसा तक नहीं है। मैनपुरी के नगला बिहारी गांव में नव भारत की पड़ताल, वहां पर जब लोगों से बातचीत की तो ये पता चला कि कई लोग बाबा को जानते तक नहीं है और ना ही लोगों को बाबा पर भरोसा है। आप सुनिए वहां के लोगों ने क्या कहा। बाबा का जहां सबसे बड़ा आश्रम है मैनपुरी का बिस्वा, उससे महज 10 से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है नगला बिहारी, और यहां पे बाबा का सिर्फ विरोध है। इन लोगों का कहना है कि बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, अगर बाबा चमत्कारी होते तो इतना बड़ा हादसा बाबा के समागम में नहीं होता। क्या कहना है लोगों का, इनसे बात करते हैं। ये नगला बिहारी गाँव के लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, चौपाल लगा के बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राज बहादुर। राज बहादुर साहब, जो बाबा के भक्त है उनका कहना है कि बाबा का चमत्कार दूर दूर तक है, बाबा तो भगवान है। अगर भगवान होते तो वो इतने लोग क्यों मरते क्यों हैं? अगर वो भगवान ही होते तो इतने लोग क्यों मरते हैं? और भगवान होते तो वो इधर उधर वो करें अपने सब लोग वहीं नहीं जाते? मतलब क्या भगवान है वो? इतने लोग सारे लोग मर गए हैं, अब कोई वो है भगवान को ये क्या है वो? जो आपका गांव है तो बिल्कुल बगल में ही है बाबा के आश्रम के, तो कभी आप लोग उस तरफ गए नहीं? हम तो कभी नहीं गए, ना हम कभी गए ना कभी मिले, ना हम जानते उन्हें वो कौन है क्या है ना, हमें कोई यहाँ से हम लोग कोई जाते ही नहीं यहाँ से कभी है। तो बाबा के नाम का जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो कभी इस तरफ आए नहीं? आप लोगों से मिले हों, कहीं बाबा के चमत्कार के बारे में बताया हो? हमारे इधर तो कोई नहीं आया ना, ना मिला मुझे कोई आज तक, ना इधर कोई मिला है ना आया कोई है। और बाकी हमें कोई पता नहीं है क्या भगवान है क्या नहीं, अगर भगवान होते तो मरते नहीं इतने लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, मैं आपके गांव में घूम रहा हूं, मैं निकला था कि बाबा के लोगों से बात कर पाऊं कि जो बाबा के समर्थक है क्या चमत्कार करते हैं, लेकिन इस गांव में मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा, क्या कारण है? आपका गांव तो बिल्कुल बगल में है। हमारे यहाँ जो बगल में गांव है इसलिए हमारे यहाँ कभी भी पास में भी गए तभी भी कभी हमारे यहाँ से कोई नहीं गया और न अभी कोई जाता है और न कोई देखने गया, न कोई हमारे पास आया कि चलो भक्त बाबा जी, न हमें मानते ही नहीं बाबा को, किसी को नहीं मानते। क्या कारण है? यहाँ पे जो समागम होता है बाबा के यहाँ बिस्वा में, वहाँ तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो आप लोग नहीं जाते? कहाँ से लोग आते हैं? वो बाहर से बहुत से लोग आते हैं, हम तो नहीं जाते, हम कभी नहीं गए अब आज दिन तक, न हमारे घर से कोई गया न गांव से कोई गया, हम नहीं जाते। और जो चुपचाप जाते होंगे हम किसी के मतलब जो नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से चुपचाप जाता होगा आउट नहीं किया, वो से हमें मतलब नहीं, हम नहीं जाते।